जैसे आप मंदिर से निकलते हो ना, मंदिर से निकलने में आपको पीछे में यहाँ पे बहुत सुंदर झील मिल जाता है, जो कि मत्स्यगंधा मंदिर के पास जस्ट बगल में ही है। काफ़ी बड़ा झील है ये, लगभग एक या डेढ़ किलोमीटर के आसपास का ये झील होगा। ऐसे तो विदाउट सीजन यानी जब मेला वगैरह नहीं रहता है तो ये ऐसे झील बर्बाद ही रहता है, कोई देखने वाला नहीं है। अभी जैसे मेला लगता है ना तो गवर्नमेंट तो साफ़ सफाई वगैरह करवाती रहती है, टाइम टू टाइम इसमें कुछ भी नहीं होता। अभी हम लोग 2 महीने के बाद आ रहे हैं तब जाके साफ, नहीं तो पूरा गंदा वंदा कचरे से भरा हुआ था। मैं अगर झील आपको दिखा देता हूँ, जैसे आप यहाँ पे आते हो ना, तो आने के बाद अगर मान चलो सामने घूमने वगैरह के लिए आते हो, लेट हो जाते हैं, तो यहाँ पीछे में होटल, एक कोशी बिहार होटल भी वहाँ पीछे में, वहाँ पे आप लोग वहाँ पे रुक भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे आने वाने में या फिर रुकने में ठहरने में। जब आप झील देख लो पीछे से, पीछे वाले कैमरे से मैं झील दिखा देता हूँ आपको, क्या नज़ारा है यार। जैसे आप मंदिर घूमने आते हो ना तो क्या नज़ारा है यहाँ झील का, इतना सारा यानी बोट वोट यहाँ पे लगा हुआ है। पर बोट का शायद 80 रुपीज़ या शायद 50 रुपीज़ चार्ज है यहाँ पे। बड़ा झील यहाँ पे कितना लंबा है, वहाँ अंतिम तक है, उधर काफ़ी बड़ा झील, उधर ना बुद्धा पब्लिक स्कूल हो गया, इधर झील हो गया, यहाँ पे ये आने के लिए रास्ता है इधर से, और वहाँ पे टिकट काउंटर वहाँ पे है, वहाँ पे टिकट कटता है, 50 रुपीज़ या 80 रुपीज़ शायद चार्ज है आप लाइफ बोट में ये घूमने के लिए। और देखो हमारे मोहल्ले का आदमी वहाँ पे, कौन है कौन है। तो गाइस जैसे आप यहाँ पे आते हो, अगर लेट वेट होता है रुकने में, तो यहाँ पे होटल कोसी बिहार आप लोग देख सकते हो, तो आप लोग यहाँ पे आराम से आगे रुक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे रहने वहने का कोई दिक्कत नहीं है। कितना चार्ज था इससे पहले जब आया? 60 रुपये था, अभी तो 80 रुपये 100 रुपये कर दिए। अरे वहाँ तक चलेगा, अभी इस हाल से ही आप देख के पता लगेगा कितना यहाँ पे कचरा था। अभी तो हाल फिलहाल में जब छठ वट हुआ है ना तब जाके साफ होता है, नहीं तो ऐसे गंदा ही रहता है। पानी भी गहरा है काफ़ी, साफ कितना है अभी ना साहब है, जब सीजन खत्म होगा ना, मेरा वाला खत्म होगा, छठ वट खत्म होते पूरा ऐसे गंदा कचरा वड़ा पड़ा हुआ, कचरा फिर पानी में चल जाएगा कोई ठीक नहीं है। यहाँ पीछे में एक मूर्ति भी है, वहाँ पे स्टेच्यू है ना, पानी में 2-3 दिख जाएगा एक, हाँ। वहाँ पर ऊँटो यहाँ पे मूर्ति है, उधर भी वो टूट उठ गया पूरा। देखो वहाँ पे उधर से रेलवे लाइन हो गया, इधर वहाँ पे वो वाइट वाली बिल्डिंग दिख रही है, वहाँ तक वो झील है, नाम का बस झील है और कुछ है ही नहीं यहाँ पे। देखो कचरा कैसे उड़ के जा रहा है इधर ज़्यादा। गैस अभी जितना है अपने मंदिर वगैरह देख ही लिया, और प्लस अभी जो है मेला जो है अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, अभी लग ही रहा है यहाँ पे मेरे पीछे, आप लोग देख लगी रहा है। ऐसा करते हैं आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, सी यू लेटर इन नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय।